कितना मंग रहा है वो देखो, बड़ा है और बहुत इसी में मंगा है। खाया पिया है? खाया पिया है? अच्छा हाँ बस बस खाया पिया है इसीलिए ज़्यादा फन बना रहा है। हाँ बस 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 शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। ये तो तुम लगी थी? नहीं चोट नहीं लगी, जाली वाली से नहीं टकराया। मैं वो वहाँ फंस जाता ना थोड़ा लिया तभी तो फंस गया। और क्या, पाँच फुट तो मरी है, ये तो हमसे भी लंबा है। ये एक आध बार और आ गया था घर में, घुस गया। अच्छा हाँ, चूहे में खाने आ जाते हैं ये वगैरह। कौन सा है ये? घोड़ा पचाड़ है घर तो, इंडियन रेड स्नेक बोलते हैं, तो जहरीला नहीं होता है लेकिन काटता बहुत तेज है। अगर इसको ज़्यादा टाइट पकड़ लिया और इसको महसूस हो गया कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है तो ये काट लेता है बहुत तेज। पर हमें पता है उसको कैसे हैंडल करना है। ये लगभग कोबरा जैसा दिखता है, इसकी स्केल्स वगैरह कोबरा जैसी होती है। कोबरा क्या फन होता है, इसके फन नहीं होता। और ये पीले कलर में ज़्यादा मिलता है। ये भारत का सबसे लंबा और सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है ये। अच्छा, इसीलिए इसको घोड़ा पचाड़ बोलते हैं। गाँव देहातों में ज़्यादातर इसके प्रति ऐसी भावना है कि ये भैंसों के पैर में और घोड़ों के पैर में लपेट के उसे गिरा देता है, दूध पी लेता है। नहीं नहीं नहीं, सांप कभी दूध नहीं पीते। जिस जानवर की जीभ बीच में से फटी होती है ना, तो कभी भी कोई चीज़ चूसने के वो नहीं होती उनकी शक्ति। अच्छा, तो सांप दूध कभी पचा ही नहीं सकते। अपने पेट में जो एंजाइम होते हैं वो इनके पेट में नहीं होती, इसलिए सांप दूध को भी पचा ही नहीं सकते। भाई साहब को देखा, भाई साहब देखने आए, काट लिया। नहीं हम पर दवाई है। काट लिया और क्या, काट भैया ने तो उसे बहुत मोटे मोटे सांप देखे। मैंने कुछ नहीं यार, इनकी व्हाट्सएप स्टेटस पे चेक करता रहता हूँ। कौन है, मोर अजगर है, कभी कोबरा है क्या? ये वाला सांप तो नॉर्मल है, इसे पूरे जंगल में दुनिया भर के है। अभी तो उस दिन एसी में से निकाला था। हाँ चतुर्वेदी जी के, हाँ एसी के अंदर से है। ग्वालियर की है, किलागेट, किलागेट, अनाज कोटावारा मोहल्ला गंज ग्वालियर, गंज के अंदर, अंदर की तरफ। जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, जरूरत पड़ जाती है, अटके बेरे में काम आता है नंबर। काट लिया उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, सांप को तो पकड़ ही लेंगे। जिस सांप ने काटा है, जिस क्षेत्र में काटा है, ज्यादातर सांप कोहनी के नीचे और घुटने के नीचे ज्यादा काटते हैं, क्योंकि जमीन से संपर्क हमारा पैरों से है। और सांप को अगर हम पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं और वो डर गया तो फिर इस समय वो काट लेता है।